Shilpa Shinde and Vikas Gupta have just returned from a two-day stay in Bigg Boss house. The two entered the house during Diwali week, and after her exit, the Bigg Boss 11 winner has made some revelations about the housemates. A certain Bigg Boss fan page has shared a video wherein Shilpa is slamming Karanvir Bohra and his PR team for making it seem like it was only Sreesanth who mocked Rohit Suchanti's sexual preference. In the same video, the actress is seen siding with the former cricketer and pointing out that he is real. Shilpa also advised Rohit to not hide his sexual preference, as it will only give reasons to the housemates to make fun of him. Shilpa says, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ना मेरी करणवीर से दुश्मनी है और ना ही दीपिका से और ना ही श्री से कोई दोस्ती है. श्री जो भी है वो रियल है और वही शो में दिख रहा है क्योंकि वही सच्चाई से जी रहे हैं. वो इंसान दिल का बुरा नहीं है. उन्हें अपने आप को अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं है. हम सब जो भी शो में गए हैं उन्हें मालूम है कि जिन आर्टिस्ट को इस सीजन में लिया है वो खरे नहीं उतरे हैं, और इसीलिए नेहा पेंट से जैसी अच्छी आर्टिस्ट शो में नहीं है क्योंकि वहां प्रिटेंड करके काम नहीं चलेगा. शी एड्स, रोहित की एंट्री के बाद उसके बारे में जो लोगों ने बोला उसमें सिर्फ श्री को पॉइंट आउट किया गया, और करणवीर की पीआर टीम को मानना पड़ेगा कि चैनल ने उनके फिंगर मोमेंट को एडिट कर दिया. करणवीर को इशारे में शिवाशीष से सृष्टि की एंगेजमेंट में बात करने जैसे कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने तो खुद नेशनल टेलीविजन पे अपना रिलेशनशिप स्टेटस डिक्लेयर किया हुआ है. दूसरी बात, मेरे हिसाब से इस बात का मजाक तब बनाया जाता है जब छुपाया जाता है. मेरी एक दोस्त है, उसे उसकी शादी के बाद पता चला कि उसके पति को सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट है. मेरे हिसाब से आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपको सीना ठोक कर बोलना चाहिए, तो उसका कोई मजाक नहीं बनाएगा. हमारी सीजन में सब्यसाची को प्रियांक पसंद था तो वो खुलकर बोलते थे. उनका कभी किसी ने मजाक नहीं बनाया. अगर मुझे लड़कियां पसंद होती तो मैं खुलकर बताती. तो आप जो हो उसे एक्सेप्ट करो, नहीं करोगे तो आपका मजाक होगा. सो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी के कहने पर किसी को टारगेट मत करो, क्योंकि शो की टीआरपी के लिए चीजें दिखाई जाएंगी. सो प्लीज दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ. शिल्पा कंक्लूडेड. You may recall, Vikas Gupta blasted Sreesanth for making fun of Rohit Suchanti. Later, Karanvir's wife TJ Sidhu slammed the actor for laughing along. But during weekend kavar, when Salman Khan asked Karanvir about it, he said he was talking about Srishti's engagement. After which, TJ and Vikas apologized to Karanvir on social media. But clearly, Shilpa has another story to tell.